दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय की बैठक हुई और इसमें प्रदेश सरकार के मंत्री बीडी कल्ला ने भी शिरकत की। कल्ला ने बताया कि प्रदेश की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से 43,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की मांग की गई है। कल्ला ने साथ ही कहा कि पीने के पानी पर सबका अधिकार है और इसीलिए केंद्र सरकार की ओर से देश भर को निःशुल्क सहायता देनी चाहिए। मंत्री बीडी कल्ला ने से खास बातचीत की हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने। जल संरक्षण को लेकर आज दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई, बीडी कल्ला उसमें मौजूद रहे, देश भर के जो कैबिनेट मंत्री थे वो उसमें मौजूद रहे। आज पानी को लेकर जो है क्या कुछ डिस्कशन हुआ, क्या मांग की आपने राजस्थान सरकार की ओर से? देखिए, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और यहाँ पीने का पानी केवल देश की आवश्यकता को देखते हुए केवल 1.1% उपलब्ध है। 6.6% जनसंख्या राजस्थान में रहती है, उसको देखते हुए राजस्थान में गांव-गांव में पानी पहुंचाने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो हमने पूरे राजस्थान के समस्त जिलों का, समस्त गांवों का, जो अब तक पेयजल योजनाओं से नहीं जुड़े हैं उनके बारे में, खास तौर से ईस्टर्न राजस्थान की 37,200 करोड़ रुपये की योजना, यमुना का पानी ताजेवाला के हेड से राजस्थान में पहुंचाने के लिए करीब 23,000 करोड़ की योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 1923 करोड़ रुपए की योजना, हाड़ोती जिसमें कोटा झालावाड़ और बारा आता है उसकी योजना, इसके अलावा आपके जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान से संबंधित योजना जो लगभग 8,25,000 करोड़ रुपये की है, इन सब योजनाओं का जिक्र किया कि इनके लिए केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है। राजस्थान में पेयजल अथवा बिजली अथवा सड़क पहुंचाने के लिए दूरियां बहुत है, करीब करीब ये एक एक गांव की दूरी 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे स्थिति में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा बहुत चाहिए, तो हमने ये मांग की है कि मरुस्थल और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 70% और जो सामान्य क्षेत्र है वहाँ 75% केंद्रीय सरकार से हमको ग्रांट मिलनी चाहिए। के बीच में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैं राजस्थान से बखूबी रूबरू हूँ, मुझे पता है, तो आपको लगता है कि जो बाकी के मंत्री केंद्रीय मंत्री थे उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा आसान होगा अब यहाँ से इस मंत्रालय से काम कराना? वो तो आगे पता लगेगा कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के जो जिस प्रदेश की आवश्यकता है उसके अनुरूप यदि फंडिंग होगी तो निश्चित रूप से ये देश के लिए भी उचित है। योजना आयोग जो हमारा बना था उस समय ये ध्यान रखा गया था कि जो पिछड़े राज्य हैं शिक्षा में, चिकित्सा में अथवा सड़क में, पेयजल में, उनको प्राथमिकता मिले ताकि वो पूरा देश एक साथ आगे बढ़ सके। और यही दृष्टिकोण केंद्रीय सरकार का, फेडरल गवर्नमेंट का होना चाहिए कि वो तमाम राज्यों को जो जिस किसी क्षेत्र में पीछे हैं उनको बराबर लाने के लिए जो कमियाँ हैं उसकी पूर्ति करें। सर, तो भयंकर गर्मी में जिस तरीके से लगातार जो है अब मांग की जा रही है और अब राजस्थान सरकार की ओर से, गहलोत सरकार की ओर से ये मांग की जा रही है कि पीने के पानी के लिए केंद्र सरकार को 100% फंडिंग करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV, दिल्ली।